ini ki. यहाँ में हमारे जितने भी बाइकर्स हैं ये अब पूरा त्रिपुरा टूर करेंगे, ग्राम ग्राम में जाएंगे, हमारे लोगों को बोलेंगे कि CAA हमारे लिए किस तरीके से हानिकारक है, और ये हमारे गांव में जाकर ये एक रात रहेंगे, वहाँ में रैली होगा, उसके बाद दूसरे गांव में जाएंगे, वहाँ में रुकेंगे, उसके बाद ऐसा करके पूरा त्रिपुरा कवर करके हम CAA के बारे, जो हमारे बारे क्या हानिकारक है और क्या हमें चाहिए, ये हमारा डिमांड, वो गांव में जाकर रहकर सबको बात करेंगे। कितने तारीख तक ये चलेगा? ये 28 तारीख तक चलेगा। सर, CAA होने से जो हमारे बंगाली और ट्राइबल का जो दोस्ती है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, आपको क्या? त्रिपुरा के बंगाली ने CAA डिमांड नहीं किया था, हिंदुस्तान के बंगाली ने CAA डिमांड नहीं किया था। ये जो CAA इम्पोज हुआ ये दिल्ली के सरकार ने किया है, और सिर्फ ये बंगाली को क्यों आप बोल रहे हैं, ममता बनर्जी इसका अपोज कर रही है, बहुत लोग मैं जानता हूँ जो बंगाली है वो CAA का अपोज कर रहे हैं। आज हमारे पास नौकरी नहीं है, आप बाहर से दूसरे लोगों को ला रहे हैं, पहले हमारे त्रिपुरा के बंगाली, इंडिया के बंगाली को तो वो नौकरी दीजिए, शिक्षा दीजिए, हम अपना पॉपुलेशन क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं? और मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है कि आप CAA लाना चाहते ठीक है, ये आपका अधिकार है, त्रिपुरा ने पहले से बहुत लोगों को रखा है, हम आप हमें फिर से बोल रहे हैं रखने के लिए, आपने दूसरे राज्य जिसने एक आज तक एक भी शरणार्थी को नहीं रखा है उनको आप क्यों एग्जेम्प्ट कर रहे हैं ये CAA से? हमने जो पूछा है ये गलत सवाल नहीं है, हमने कहा कि आप हमें बोल रहे रखो और हमारे पड़ोसी जो नेबर्स हैं वो एक को भी नहीं रखते, आपने उनको क्यों एग्जेम्प्ट किया? क्योंकि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स, तो ये बंगाली ट्राइबल का प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तिपरासा बंगाली का प्रॉब्लम है ही नहीं, ये प्रॉब्लम है राजनीति वोट बैंक पॉलिटिक्स का। और आज अगर और लोग आए तो नौकरी कौन करेगा? 5 साल के बाद आप जर्नलिस्ट है आपको नहीं मिलेगा नौकरी, कोई बाहर से आ रहा उनको मिल जाएगा सरकारी नौकरी, उनको मिलेगा अस्पताल में डॉक्टर वो बनेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि अगर हम अमेरिका जैसा देश होता जो पहले से इतना रईस है और उनको वो मेक्सिको से आदमी को नहीं आने दे रहे हैं, अफगान सऊदी अरेबिया और मिडल ईस्ट मुसलमान को पाकिस्तान से नहीं आने दे रहे हैं, तो हम क्यों अलाउ करें? और त्रिपुरा तो पहले से इतना पीछे हुआ स्टेट है, यहाँ में अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, लिटरेसी में एजुकेशन का प्रॉब्लम है, अस्पताल का प्रॉब्लम है, आप कृपया करके दूसरे राज्य में भी रखिए, हमें क्यों हमेशा बोला जाता है रखने के लिए? और ये सिर्फ त्रिपुरा के तिपरासा के लिए नहीं है, जो बंगाली है वो भी क्यों रखे? जाने के बाद समझिए अब लाइक।